बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में हम बाय पार्ट्स पढ़ रहे हैं मेथड, ठीक है। और एक्सरसाइज जो है उससे रिलेटेड, बाय पार्ट्स से रिलेटेड है 3.4 का ये पार्ट नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर हम 2 यहां से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। मतलब कि अब हमें फंक्शंस गिवन हैं, ठीक है, उनको हमें चाहे आप बाय पार्ट्स यूज करते हुए सॉल्व करें, इंटीग्रेट करें, चाहे आप थ्योरम्स यूज करते हुए, जहां पर जो यानी कि सूटेबल आपको लगता है कि यहां पर थ्योरम अप्लाई होना चाहिए वहां पर आप थ्योरम्स अप्लाई करेंगे, जहां पर बाय पार्ट्स से इंटीग्रेशन होती है वहां पर आप बाय पार्ट्स यूज करेंगे, जहां पर सब्स्टिट्यूशंस यूज होती हैं वहां पर आप सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हमें फंक्शन गिवन है टेंजेंट ऑफ tan पावर 4x, और इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है विद रिस्पेक्ट टू x के। अच्छा, अब यहां पर हमें जो फंक्शन गिवन है tan पावर 4x, अब हम इससे हम देखेंगे कि क्या ये फंक्शन जो है बाय पार्ट्स से सॉल्व होगा या इंटीग्रेट होगा, या फिर थ्योरम्स हम अप्लाई करेंगे, या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी हम यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करके, यानी कि किसी तरह से इसकी कोई यानी कि शेप वगैरह या फॉर्म चेंज करके हम इस पे थ्योरम्स अप्लाई कर सकें। तो ये हम यानी कि सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, हमें यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि आपने सिर्फ बाय पार्ट्स से यूज करना है, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया था, तो वहाँ पर तो हमें सिर्फ बाय पार्ट्स से यूज करना था, यहाँ पर हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो चलें हम ऐसा करते हैं कि टेंजेंट पावर 4x को हम टेंजेंट स्क्वायर एंड टेंजेंट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं टेंजेंट पावर 4x इज इक्वल टू, यानी कि dx इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर x इनटू टेंजेंट स्क्वायर x, ठीक है। इस तरह से लिख दिया। इस तरह से लिखने का फायदा हमें क्या हुआ? फायदा ये होगा कि मैं किसी एक टेंजेंट स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी यूज कर लूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैं यहां पर यूज करूंगा टेंजेंट स्क्वायर की जगह। टेंजेंट स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 के, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हम किसी भी एक टेंजेंट स्क्वायर की जगह हम यूज करते हैं। चले मैं लिखता हूं के टेंजेंट स्क्वायर x इनटू सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx, ठीक है। तो इस टेंजेंट स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया, आइडेंटिटी यूज कर ली सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? टेंजेंट स्क्वायर x इनटू सीकेंट स्क्वायर x dx, सेपरेट भी कर देते हैं इसको, टेंजेंट स्क्वायर x dx, ठीक है। तो यानी कि ये tan स्क्वायर secant स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो tan स्क्वायर इनटू secant स्क्वायर बन गया, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x dx बन गया। अब हमने इसको अलग-अलग इंटीग्रेट करना है, तो यहां से आप ये देखें कि अगर इसको मैं इंटीग्रेशन यहां पर इसकी कैसे करेंगे। चलिए मैं इसकी थोड़ी सी इस तरह से लिख देता हूं कि टेंजेंट स्क्वायर x को मैं लिखता हूं टेंजेंट x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर को x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो टेंजेंट स्क्वायर x को टेंजेंट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो साथ में secant स्क्वायर x मौजूद है, secant स्क्वायर x dx। तो अब तो आपको समझ आ चुकी होगी कि अब ये कौन सी फॉर्म बन चुकी है, ठीक है जी, कौन सी फॉर्म बन चुकी है। देखें, ये फंक्शन है f(x) और ये उसका डेरिवेटिव है f प्राइम ऑफ x, और यहां पर फंक्शन की पावर क्या है? 2 है, ठीक है। फंक्शन, उसकी पावर और साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये पावर रूल यहां पर बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन करते हुए इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। पावर रूल क्या है इंटीग्रेशन में, कि एक इंक्रीमेंट कर देते हैं फंक्शन की पावर में और डिवाइड कर देते हैं उसी पावर से, ठीक है। तो ये बन जाएगा टेंजेंट क्यूब x डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। उसके बाद माइनस, अब टेंजेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हमने करनी है, तो टेंजेंट स्क्वायर x की जगह हम दोबारा से वही आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, मतलब जो हमने शुरू में देखी थी कि टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां पर लिखता हूं
इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन और साथ में डी एक्स, ठीक है, ये तो एज इट इज आ जाएगा टेंजेंट क्यूब ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई थ्री माइनस, अब इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, एक सीकेंट स्क्वायर ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, और फिर माइनस वन है तो माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा पॉजिटिव वन डी एक्स। अब तो ये तो बहुत सिंपल बन चुका है, टेंजेंट क्यूब ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई थ्री एज इट इज माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स किसकी इंटीग्रेशन होती है, मतलब सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव लें तब जाके सीकेंट स्क्वायर एक्स आता है, मतलब कि फिर सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, टेंजेंट ऑफ एक्स जिससे ये डिराइव हुआ है, टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन, वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस एक्स ही आएगी, ठीक है, और प्लस सी हम लिख देते हैं क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये हमने इंटीग्रेशन पॉइंट की टेंजेंट पावर फोर एक्स की, यहाँ पर हमने कहीं पे भी जो है वो बाय पार्ट्स यूज़ नहीं किया, ठीक है, हमें क्योंकि रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया था कि आपने सिर्फ बाय पार्ट्स यूज़ करना है, हमें कहा गया है कि आपने इंटीग्रल फाइंड करना है, फाइंड द इंटीग्रेशन, ठीक है, तो हमने जिस तरह से हमें आसान लगा उस तरह से हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो अब हम इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर टू, और क्वेश्चन नंबर टू चल रहा है यहाँ पर, सीकेंट पावर फोर एक्स डी एक्स, इसमें भी आपको मैं गाइड करूँगा कि सीकेंट पावर फोर एक्स है तो इसमें आप इसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर, जिस तरह से टेन पावर फोर को लिखा था आपने, ठीक है, उसी तरह से सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स और साथ में डी एक्स। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह किसी भी एक सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह उसकी आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, मतलब जैसे मैं लिख सकता हूँ वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इस सीकेंट स्क्वायर को ऐसे लिखूंगा डी एक्स, तो ये बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, तो ये तो उससे भी आसान है, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन अभी हमने देखी है किसके इक्वल होती है टेंजेंट एक्स के प्लस, अब यहाँ से आप देखें तो इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूँ टेंजेंट स्क्वायर एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये वही फॉर्म बन गया कि पहला फंक्शन उसकी पावर टू है और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो हम इस पर पावर रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा टेंजेंट क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय थ्री और प्लस सी लिख देते हैं क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर टू, ये क्वेश्चन पार्ट नंबर वन से भी आसान है, तो नेक्स्ट पार्ट पर हम आते हैं, नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है, इस पर आपने गौर करना है, इंटीग्रेशन हमने फाइंड करनी है ई पावर एक्स साइन ऑफ टू एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स dx, इसमें तीन फंक्शंस इन्वॉल्व है, ठीक है, तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट है यहाँ पर, यानी कि हम इसे कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस, इस तरह का एक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन में, लेकिन ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, हमने क्या किया था इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि हमने e पावर x को एक अलहदा फंक्शन ले लिया था और साइन ऑफ टू एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स को दूसरा फंक्शन कंसिडर कर लिया था, यानी कि दो फंक्शन हमने बना लिए थे, एक ई पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन और साइन टू एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स सेकेंड फंक्शन, चले ठीक है, इस तरह ही ठीक है, लेकिन हमने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि सेकेंड, अब यहाँ पर देखें फर्स्ट फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या आती है, ई पावर एक्स होती है, डेरिवेटिव क्या होता है, ई पावर एक्स होता है, चलो ये तो दोनों चीज़ें ठीक है, इंटीग्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं इसकी और डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं, साइन टू एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स, इसमें आप देखें तो पहले क्या था उस केस में, साइन ऑफ एक्स था इंटू कॉज ऑफ एक्स था, ठीक है, पहला फंक्शन उसके साथ उसका डेरिवेटिव, इसलिए हमने इसकी इंटीग्रेशन आसानी से फाइंड कर ली थी साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन ऑफ टू एक्स है और साथ में कॉज ऑफ एक्स मौजूद है, मतलब कि साइन ऑफ टू एक्स का अगर हम इसको फंक्शन कंसिडर करें तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, कॉज ऑफ टू एक्स, यहाँ पे तो कॉज ऑफ एक्स है, मतलब हम इसको इस तरह से पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर हम, ठीक है,
मतलब कि ये इस तरह से उस फंक्शन से डिफरेंट है या उस क्वेश्चन से डिफरेंट है। तो हम ऐसा करेंगे कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हमने पढ़ा था, साइन ऑफ अल्फा, टू साइन ऑफ अल्फा इनटू कॉस ऑफ बीटा, ठीक है, इक्वल होता है किसके, साइन ऑफ, मैं थोड़ा सा इसको साइड पे लिखता हूँ ताकि पूरा आ जाए, साइन ऑफ अल्फा, टू साइन ऑफ अल्फा प्लस टू साइन ऑफ अल्फा कॉस बीटा। किसके इक्वल होता था, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ प्लस कॉस ऑफ, या नहीं एक मिनट मैं इसको ठीक तरह से करके लिखता, टू साइन ऑफ अल्फा कॉस बीटा इक्वल होता है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसके इक्वल होता है। तो ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। आपने अल्फ़ा यहाँ पर किसी कंसिडर करना है, अल्फ़ा आप इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये अल्फ़ा, और बीटा यहाँ पर एक्स है, मतलब कि साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस बीटा तो मौजूद है लेकिन यहाँ पर इसके साथ टू भी होना चाहिए। तो टू हम ऐसा करेंगे कि बाहर डिवाइड कर देंगे टू से और यहाँ पर इसके साथ टू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा टू साइन 2x into cos of x, साथ में dx मौजूद है उसी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करेंगे, e पावर x एज इट इज, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इस केस में क्या है 2x है, 2x प्लस बीटा, बीटा इस केस में क्या है x है, ठीक है, इसके बाद प्लस cos बल्कि साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा 2x माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर इसके ब्रैकेट्स भी डाल देते हैं क्योंकि e पावर x दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, dx आ जाएगा। आगे मजीद इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रल ऑफ e पावर x साइन ऑफ 3x प्लस e पावर x साइन ऑफ x, और इन दोनों की इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए साथ में dx मौजूद है। अब हमने इनको दोनों को सेपरेट कर देना है क्योंकि दो फंक्शंस हैं, फिर मैंने प्लस का साइन है तो इनको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब कि हम लिखेंगे 1/2 e पावर x साइन ऑफ 3x dx प्लस 1/2 भी इसके साथ भी आ जाएगा क्योंकि ये 1/2 इन दोनों के साथ मौजूद है, 1/2 इंटीग्रल ऑफ e पावर x साइन ऑफ x dx। अब हमने इसको अलहदा से इंटीग्रेट करना है और इसको अलहदा से इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसका कोई नाम दे देते हैं, ये मैं लिख देता हूँ 1/2 और इसको हम कह देते हैं कि i1 चलें कह देते हैं, इसको i1 कह देते हैं और ये 1/2 इसको i2 कह देते हैं। मैंने इनको नाम क्यों दिया, क्योंकि अब मैंने इसको अलग-अलग इंटीग्रेट करना है, इसी तरह से मैं नीचे लेकर इंटीग्रेट करता हूँगा तो यहाँ पर हमारे पास जगह कम है, तो हम ऐसा करेंगे कि इसको मैं अलग-अलग से इंटीग्रेट करके रिजल्ट जो आएगा इसकी जगह प्लेस कर दूंगा, ठीक है, उसी तरह से इसको भी इंटीग्रेट करूंगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा, ठीक है, तो एंड पे हम रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे। और ये किसके इक्वल है, इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स साइन ऑफ 2x कॉस ऑफ x, जो हमने फाइंड करना है, जो हमें रिक्वायर्ड, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि e पावर x साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ x dx। अच्छा, अब हम i1 कैलकुलेट करते हैं और कलर भी मैं डिफरेंट ले लेता हूँ, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e पावर x साइन ऑफ 3x के इक्वल है, ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे हम फाइंड करेंगे, इस तरह का तो क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं,
ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक। एक्सपोनेंशियल को हम फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सेकेंड फंक्शन कंसिडर करते हैं जब भी इनका कॉम्बिनेशन हमारे पास आता है। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा से इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं, ई पावर एक्स आ जाएगा, इसके साथ इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि साइन ऑफ थ्री एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन ऑफ थ्री एक्स की इंटीग्रेशन होगी कॉस माइनस कॉस ऑफ थ्री एक्स डिवाइडेड बाय थ्री, उसके बाद माइनस साइन और फिर इंटीग्रल साइन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन सेम माइनस कॉस ऑफ थ्री एक्स डिवाइडेड बाय थ्री, ठीक है। और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई पावर एक्स और डी एक्स साथ में आ जाएगा। मजीद सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा माइनस वन ओवर थ्री ई पावर एक्स कॉज ऑफ थ्री एक्स, मैंने अरेंज करके इसको लिख दिया। उसके बाद क्या है, ये माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ, और साथ में वन ओवर थ्री जो है वो कॉन्स्टेंट है ये भी बाहर आ जाएगा और इसको हम लिख देते हैं ई पावर एक्स कॉज ऑफ थ्री एक्स। वैसे तो लिखा हुआ था, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको, कॉज ऑफ थ्री एक्स ई पावर एक्स डी एक्स इस तरह से मौजूद था, लेकिन हमने क्या करना है कि इसको दोबारा से इंटीग्रेट करना है। ये इंटीग्रल साइन आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, इंटीग्रेट इसको दोबारा से हमने करना है तो हमें रीऑर्डर करना पड़ता है, ठीक है। रीऑर्डर का केस मैंने पहले समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद हो और साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो आपने फर्स्ट फंक्शन जो है आपने एक्सपोनेंशियल को रखना होता है, ठीक है, और सेकंड फंक्शन आपने बनाना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक को, मतलब कि ई पावर एक्स पहला आ जाएगा ई पावर एक्स और साथ में कॉज ऑफ थ्री एक्स आ जाएगा। आगे फिर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, पहले तो टर्म्स एज इट इज आ जाएगी माइनस वन ओवर थ्री ई पावर एक्स कॉज ऑफ थ्री एक्स प्लस वन ओवर थ्री, और इसकी इंटीग्रेशन हमने बाय पार्ट्स दोबारा से फाइंड करनी है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि साइन ऑफ थ्री एक्स डिवाइडेड बाय थ्री हो जाएगा इसकी इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रल साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि है साइन ऑफ थ्री एक्स डिवाइडेड बाई थ्री, और साथ में मल्टीप्लाई हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि ई पावर एक्स ही होगा, ठीक है। तो और साथ में डी एक्स मौजूद है और ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अभी तक हम आई वन फाइंड कर रहे हैं, आई वन इज इक्वल टू माइनस वन ओवर थ्री ई पावर एक्स कॉज ऑफ थ्री एक्स प्लस वन ओवर थ्री, वन ओवर थ्री में आप मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, वन ओवर थ्री ई पावर एक्स साइन ऑफ, बल्कि अब ये थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो वन ओवर नाइन बन जाएगा साइन ऑफ थ्री एक्स डिवाइडेड बाय थ्री, तो चलिए बाहर चला गया। उसके बाद माइनस, अब ये वन ओवर थ्री भी इससे मल्टीप्लाई होगा और ये थ्री भी बाहर आ जाएगा तो वन ओवर नाइन बन जाएगा, वन ओवर नाइन इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स साइन थ्री एक्स, अरेंज कर दिया मैंने थ्री एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखें e पावर x साइन थ्री एक्स किसके इक्वल है, e पावर x साइन थ्री एक्स की इंटीग्रल i1 के इक्वल है, तो हम यहाँ पर इसकी जगह i1 पुट कर सकते हैं, मतलब बाकी टर्म्स उसी तरह से आ जाएंगी, i1 इज इक्वल टू माइनस वन ओवर थ्री ई पावर x कॉज ऑफ थ्री एक्स प्लस वन ओवर नाइन ई पावर x साइन ऑफ थ्री एक्स माइनस वन ओवर नाइन, और ये टर्म जो है आई वन के इक्वल है तो यहाँ पर वन ओवर नाइन आई वन आ जाएगा, ठीक है। और प्लस सी भी कर दें आप, चलो क्योंकि हम इंटीग्रेट कर चुके हैं तो इसका जो है सी वन चलिए लिख देते हैं, क्योंकि हम आई वन फाइंड कर रहे हैं उसका कॉन्स्टेंट सी वन आ जाएगा। अब हमने इसको आई वन के लिए सॉल्व करना है, तो आई वन यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है और ये आई वन वाली टर्म यहाँ पर ले आएंगे हम, प्लस वन ओवर नाइन आई वन, ठीक है। उसके बाद बाकी टर्म्स इसी तरह से ये आ जाएंगी, और इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लें तो ये टेन ओवर नाइन बनता है,
10 और 9 आई वन इज इक्वल टू, बाकी टर्म सेम आ जाएंगी ठीक है, और आई वन हमने फाइंड करना है, तो आई वन के लिए 9 और 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 और 10 सब टर्म्स के साथ, तो हमारे पास जो टर्म्स बन जाएगी वो क्या होगी, ई पावर एक्स, उसमें से अगर कॉमन चले मैं कॉमन नहीं भी लेता तो टर्म्स हमारे पास बनती हैं 1 ओवर 10, 9 मैंने अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है, 1 ओवर 10 इंटू माइनस 3 कॉस ऑफ 3x e पावर x प्लस साइन ऑफ 3x इंटू e पावर x और प्लस 9 बाई 10 क्योंकि सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू सी वन ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि i1 हमें यहाँ पर फाइंड करना था और i1 हम फाइंड कर चुके हैं, इन दोनों में e पावर x कॉमन है तो e पावर x आप कॉमन ले सकते हैं, e पावर x ओवर 10 इंटू माइनस 3 कॉस ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 3x प्लस इसको आप 9 ओवर 10 सी वन कह दें ठीक है। तो ये हमारे पास आई वन आ गया। इसी तरह से आप जो है आई टू भी फाइंड करेंगे। देखें यहाँ पर अभी हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें ना, इसकी जो कि इसकी इंटीग्रेशन इक्वल है 102 आई वन प्लस 102 आई टू के, और आई टू इसके इक्वल है, आई टू भी अभी हमने फाइंड करना है। तो आई टू किसके इक्वल होगा, आई टू इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रल हमने अभी फाइंड करना है। तो ये भी आप उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से आई वन की हमने इंटीग्रेशन फाइंड की है। तो आई टू के ऊपर यहाँ पर आप बाय पार्ट्स वाला मेथड यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और आपके पास जो है आई टू का रिजल्ट जो आएगा वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे ठीक है। तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा 102 ई पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस 102 सी टू ठीक है। तो ये आपके पास आई टू का रिजल्ट आएगा। जब आई वन और आई टू जब आपके पास दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं तो आपने दोबारा से इसी इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन कह देता हूँ, इसी इक्वेशन में आपने पुट कर देनी है। तो मैं कलर भी चेंज करता हूँ और दोबारा से मैं इसको पुट भी कर देता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ किसकी हम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे थे, ई पावर एक्स साइन ऑफ टू एक्स कॉस ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन ऑफ एक्स है, साइन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 102 आई वन था प्लस 102 आई टू ठीक है। अब यहाँ पर हमने आई वन और आई टू की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, अब यहाँ पर हम आई वन और आई टू की वैल्यूज पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/4 ई पावर एक्स, ई पावर एक्स यानी कि उसमें से मैंने कॉमन ले लिया, 102 भी कॉमन ले लिया, तो 1/5 साइन ऑफ 3x माइनस 3/5 कॉस ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x और प्लस c ठीक है। तो और c मैं बता देता हूँ, c किसके इक्वल है जी हमारे पास, क्योंकि वहाँ पर c1 भी है c2 भी है, तो c हमारे पास आएगा 9/20 c1 प्लस 1/4 c2 के। तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है। इस तरह से आपने यानी कि सॉल्व करना होता है अगर आपके पास तीन इस तरह के फंक्शंस आ जाएं तो। तो बाकी उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, जहाँ पर अब आपको समझ आ जानी चाहिए कहाँ पर आपने बाय पार्ट्स अप्लाई करना है, कहाँ पर आपने थ्योरम्स यूज़ करने हैं, कहाँ पर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है सॉल्व करने के लिए उसको पहले इंटीग्रेशन से पहले ठीक है, तो कहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूशंस करनी है। तो ये चीज़ें आपको अभी तक समझ आ जानी चाहिए। और यहाँ पर हम क्वेश्चन टू को क्लोज़ करते हैं और यहाँ पर इस लेक्चर को भी ख़त्म करते हैं क्योंकि लेक्चर का टाइम भी ओवर हो चुका है।